कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार से हटकर कोई चीज हो ही नहीं सकती है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसे गांधी परिवार के लोग चला रहे हैं। इसमें ना कोई दल की विचारधारा है, ना तो सिद्धांत है। ये तो कांग्रेस कहती है कि हमने आजादी में भाग लिया। उसी कांग्रेस का नेतृत्व अब कन्हैया कुमार लोग कर रहे हैं, जो ये नारे लगाते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। उपचुनाव की रणनीति पर उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस सरकार की विफलता और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां जनता को बताएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। देखिए, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार के स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई। हमारे सभी हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन प्लांट है वो सभी हॉस्पिटल में लग गए हैं। सभी हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने की व्यवस्था हुई है। जहां पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाना था वहां पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाया गया है। जहां डॉक्टर्स बढ़ाना है वो डॉक्टर्स बढ़ाने का काम हो रहा है। और इस तरह से सरकार पूरी तरह से संभावित तीसरी लहर को लेकर सतर्क है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है उनके पास कोई कैडर तो है नहीं। उम्मीदवार स्वयं चुनाव लड़ता है और उम्मीदवार अपने प्रयास से जो कर ले। और इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस में एक निराशा का वातावरण है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कमलनाथ जी तक सीमित हो गई है। बाकी सभी नेता, चाहे वो अरुण यादव जी हो, चाहे आपके अजय सिंह जी, राहुल भैया हो, चाहे जो भी कांग्रेस के नेता हैं, वो सबको एक तरफ कर दिया गया है। कांग्रेस में पहली चीज तो गांधी परिवार से हटके कोई चीज हो नहीं सकती। एक प्राइवेट कंपनी है जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चला रहे हैं, और एक ना कोई दल की विचारधारा है, ना दल के कोई सिद्धांत है, ना कोई नीतियां है। ये कांग्रेस जो बात कहती है कि आजादी में हमने भाग लिया, उसी कांग्रेस का नेतृत्व अब कन्हैया कुमार कर रहे हैं। जो ये नारे लगाते हैं, हिंसा अल्लाह भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरह के जो नारे लगाते हैं, ऐसे लोग अब कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। वो संत हैं और संत के जो भाव होते हैं वो निर्विकार होते हैं, और इसलिए वो राजनीतिक कम, संत ज्यादा है। तो संत के नाते जो चीजें उनको धार्मिक रूप से लगती है वो सहज भाव में कहती है, और इसलिए इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए।